दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सचिवालय कटौती की। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे कैटेगरीज ओबीसी जनरल एसएसटी की बताई कटौत सचिवालय की। यूट्यूब पर आप काफ़ी सारे वीडियो देख रहे होंगे जिनमें 235 के आसपास बताई जा रही है ओबीसी कटौत, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ओबीसी एंड जनरल कटौत 235 प्लस ही रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने सारे कटौत बताई हैं, वो एक एक देखते हैं। ये वीडियो 2 मिनट का ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं एमबीसी बॉयज से, तो देखते हैं एमबीसी बोझ कितनी रहेगी। एमबीसी बोझ कटौत 228 से 232 के बीच में रहने वाली है। जिनके 228 प्लस मार्क्स हैं एमबीसी बोझ के, उन्हें सचिवालय मिल सकता है। इसके बाद देखते हैं एमबीसी गर्ल्स की, जिनके 195 प्लस मार्क्स हैं उनकी पूरी पूरी चांसेस सचिवालय मिलेंगे। एसटी बोझ में 223 प्लस माइनस एक, 223 प्लस माइनस एक इनकी रहने वाली कटौत। एसटी गर्ल्स की इनका अच्छा डाटा उपलब्ध नहीं था, फिर भी इनकी कटौत 190 से कमी रहने वाली है, तो जिन कितने मार्क्स हैं उसे सचिवालय मिल सकता है। ऐसी बोझ की कट ऑफ रहने वाली है 225 प्लस माइनस एक हो सकता है। तो इसके बाद मिलते हैं ऐसी गर्ल्स की जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं, इनकी कट ऑफ भी 205 से कमी रहने वाली है, तो इतने नंबर वालों को सचिवालय मिल जाएगा। ओबीसी बोझ में 238 प्लस माइनस एक रहने वाली है। ओबीसी बोझ काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इनकी कट ऑफ हाई रहने वाली है, जो कि 238 के आसपास रहेगी। ओबीसी गर्ल्स की टॉप देखें तो ओबीसी गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, 226 प्लस माइनस है, कितने अगर नंबर आ रहे हैं तो उन्हें सचिवालय मिल जाएगा। जनरल बॉयज की कटॉप रहेगी 242 प्लस माइनस एक, इनकी कटॉप 242 से ऊपर ही रहने वाली है, क्योंकि 250 से ज़्यादा वाले हमने बहुत सारे मार्कशीट देखे हैं। जनरल गर्ल्स की कटॉप रहने वाली 228 प्लस माइनस एक, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इतने में इनको सचिवालय मिल जाएगा। जिनके इतने मार्क्स उनको सचिवालय शोर है। तो दोस्तों ये थी अनुमानित कटॉप, एग्जैक्ट कटॉप तो कोई भी नहीं बता सकता, फिर भी काफ़ी सारे मार्क्स मैंने देखे, एक वीडियो बनाया है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।